हेलो भाई, आप देख रहे हो गाड़ी रिव्यू। मैं हूँ आपका भाई छोटू तिवारी। आज हम लेके आए भाई बजाज का चेतक। अब जमाना है भाई इलेक्ट्रिक का, और ये जमाना देखते हुए बजाज भी अब अपनी स्कूटी लॉन्च कर दी है चेतक। भाई देखने में काफ़ी लाजवाब और काफ़ी खूबसूरत चेतक है। इसका फीचर जो है आपको वीडियो में आगे बताएंगे, और उसका पहले भाई एक सेक्सी सा आपको की दिखाते हैं। काफ़ी कमाल का की भी चेतक का आती है, और कुछ इस तरह से आपको चेतक का फ्रंट लुक मिल जाता है। आगे इसमें आपको एलईडी बेस में ही हेडलैम्प मिल जाता है, और एलईडी बेस में ही आपको डीआरएल मिल जाता है। साथ में आपको सिक्वेंशियल सा इंडिकेटर मिलता है भाई, जो जला के भी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। लुक भाई काफ़ी कमाल का मिलता है। कुछ इस तरह से भाई आपको एलईडी बेस में ही हेडलैम्प मिलता है, जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें आपको आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और पीछे की तरफ नॉर्मल सा ही जो ड्रम ब्रेक मिलता है। साथ चेतक में भाई आपको तीन वेरियंट मिल जाता है। पहला तो है भाई आपका प्रीमियम, जो टॉप एंड वेरिएंट है। दूसरा जो है भाई अर्बन, और तीसरा जो है 2901। तीन वेरिएंट मिलता है। ये आपको टॉप एंड वेरिएंट प्रीमियम है। इसमें आपको रेंज का बात करें तो 126 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। वहीं चार्जिंग टाइम का बात करें भाई, तो 4 घंटा 30 मिनट में आपको ये 0 से 100 चार्ज हो जाती है। और बैटरी पावर का बात करें तो 3.2 किलोवाट का इसमें आपको बैटरी मिल जाता है। उतना ही नहीं भाई, इसमें आपको बूट स्पेस भी 21 लीटर का मिल जाता है, जिसमें आप आराम से अपना हेलमेट वगैरह इजीली कैरी कर सकते हैं। बजाज चेतक में आपको 5.2 इंच का एलईडी डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक कंट्रोल, वॉयस कमांड भी मिल जाता है। उतना ही नहीं भाई, इसमें आपको नेविगेशन सपोर्टेड मिलता है, और यहाँ से ही अपना म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको रिवर्स गियर भी मिल जाता है। इसमें ही भाई डिस्प्ले में आपको रेंज, बैटरी, यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपका साइड स्टैंड डाउन है, ये भी दिख जाता है। सारा चीज़ आपको मैनुअल कंट्रोल करने के लिए यहाँ से मिल जाता है। यहाँ से अपना राइट रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से आप इंडिकेटर हो गया, और यहाँ से भाई इसका आप लॉकर खोल सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी सामान कैरी करने का जगह मिल जाता है, जैसे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ आपको चार्जिंग पोर्ट एक मिल जाता है यूएसबी केबल का, आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इस साइड में आपको चार्जर मिल जाता है, और नॉर्मल जो इसका बूट जो है ना भाई, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है 21 लीटर का, और यहाँ पे आपको चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है। इसमें आपको 3.2 लीटर का बैटरी मिलता है, और चार्जर कुछ इस तरह से आपको एक सूटकेस में मिल जाता है बैग, जो क्वालिटी का बात करें तो काफ़ी प्रीमियम सा बैग भी मिल जाता है। और कुछ इस तरह से आपको चार्जर मिल जाता है, जो आप अपना नॉर्मल घर में लगा के चार्ज कर सकते हैं। आपको 4 घंटा 30 मिनट में 0 से 100 चार्ज हो जाती है। साइड में भाई यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, जो कि इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाता है, और यहाँ से ही अपना गाड़ी अनलॉक करके ड्राइव टू रेडी कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। भाई बाइक सेगमेंट में, स्कूटी सेगमेंट में पहली गाड़ी ऐसी है चेतक जिसमें आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है। साथ में आप डिस्प्ले का भी कलर चेंज कर सकते हैं। उतना ही नहीं भाई, इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, कॉलिंग फंक्शन मिलता है, आप इसका कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। और लेग स्पेस का बात करें तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 3 kg तक ले हुक मिल जाता है। यहाँ पे अपना 3 kg तक कैरी भी कर सकते हैं। रियर लुक का बात करें भाई, तो चेतक रियर से भी काफ़ी लाजवाब लग जाती है, और बाइक सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी है भाई जिसमें आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर आता है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर भाई स्कॉर्पियो एन के बेस वेरियंट में भी नहीं आती है, बट आपको चेतक में सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाता है। और कुछ इस तरह से आपको एलॉय व्हील मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेकिंग मिलता है नॉर्मल सा। डुअल पर्सन कैरी करने के लिए यहाँ लेग रूम जो मिलता है, ये भी आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड का हो गया, यहाँ से अपना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इस साइड से ब्लूटूथ म्यूजिक, और इस साइड से अपना ट्रिप वगैरह देख सकते हैं, नेविगेशन और जो भी तमाम तरह का नोटिफिकेशन आता है वो इस साइड से देख सकते हैं। आप तमाम तरह की जानकारी बजाज ऑटो कनेक्ट से भी ले सकते हैं, जो बजाज का एप्लीकेशन आता है उससे। इसको आप होल्ड करके रखिएगा तो आपका हैंडल जो है वो लॉक हो जाएगा, और फिर की से आप अनलॉक कीजिए और एक बार पुश कीजिए, आपका गाड़ी चलने के लिए भी रेडी हो जाती है। वहीं प्राइस का बात करें तो अभी हम खड़े हैं राज इंटरप्राइजेज बीटा, और यहाँ से अतुल भी असम जानते हैं इसका प्राइस क्या पड़ेगा, और इसका EMI क्या गिरेगा, ROI क्या रहेगा, सारी चीज़ हम अतुल भैया से जानते हैं। तो बजाज चेतक का जो बेस वेरिएंट है 2901, सबसे पहले प्राइस उसी से स्टार्ट करते हैं भैया। 2901 का प्राइस कितना पड़ता है? 2901 का प्राइस पड़ रहा है भैया 112,179 रुपये। 112,179 रुपये 2901 का प्राइस पड़ जाता है। इसका डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? इसका डाउन पेमेंट आपको
17,999 रुपया डाउन पेमेंट कीजिएगा, आपका गाड़ी छूट जाएगा। मात्र 17,999 रुपया आप डाउन पेमेंट कीजिए और बजाज चेतक जो न्यूली लॉन्च की है वो आपने एरिया में ले जाके और भौकाल बांधते रहिए, क्योंकि भाई बजाज की एक काफ़ी खूबसूरत इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा रेंज भी मिल जाता है। अर्बन है भैया, अर्बन का डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? अर्बन का आसपास आपको वही 22,000 से 25,000 रुपये डाउन पेमेंट करेंगे तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। मतलब 21,999 रुपये में आप बजाज चेतक के अर्बन वेरियंट ले जा सकते हैं जो मिडिल वेरियंट है, जिसका रेंज आपको 123 किलोमीटर मिल जाता है और वही चार्जिंग टाइम जो है ना 4 घंटा 50 मिनट में आपको फुल चार्ज हो जाता है 0 to 100। बट अब जो सामने खड़ी है भैया, इसका प्राइस का बात करें, इसकी आपकी प्राइस हो जाती है भैया 1,67,166 रुपये। इसकी एक शोरूम प्राइस पड़ जाती है आपको 1,38,943 रुपये। इसमें कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? इसमें आपको 25,999 रुपीज डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको गाड़ी मिल जाएगी। यदि कोई लेना चाहता है तो कहाँ पे आएगा? राज इंटरप्राइज आरा रोड NH30। डॉक्यूमेंट क्या लेके आना होगा भैया? क्योंकि डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड आपको लेकर आना होगा और पैन कार्ड लेकर आना होगा और एक पासबुक लेके आना होगा बस। मतलब ज्यादा चीज आपको डॉक्यूमेंट का भी झंझट नहीं है, आधार कार्ड जो नॉर्मली हर कोई अपना वैलेट में रखता है, पैन कार्ड वैलेट में रखता है, एक आपको एक्स्ट्रा में बैंक का पासबुक लेके आना होगा और इजिली मतलब आप गाड़ी बजाज चेतक ले जा सकते हैं। और बजाज चेतक ही नहीं, बजाज की आपको तमाम तरह की गाड़ियाँ मिल जाएगी, जैसे आपको RS 200 है, NS 150 है, NS 160 है, आप तमाम तरह के बजाज के T20 हो गए, कोई भी गाड़ी ले जा सकते हैं उसमें भैया। और ये तो इलेक्ट्रिक हो गए, इसके छोड़ के जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उसमें क्या डाउन पेमेंट, क्या मतलब क्या डॉक्यूमेंट लेके आना होगा? आपको एक 125 cc हो गई गाड़ी, यहाँ पे आके 125 cc की सारी वेरियंट हो गई, ये 10,000-11,000 डाउन पेमेंट पे गाड़ी छूट जाती है। मतलब मात्र 9,000-10,000 रुपये लेके आएगा, आराम से डाउन पेमेंट देके ले जा सकते हैं, 5 मिनट में फाइनेंस हो जाएगी। मतलब 5 मिनट में आप गाड़ी ही लेके जा सकते हैं, 10,000 रुपया लाइए, 5 मिनट रुकी और 5 मिनट बाद गाड़ी लेकर घर पे लेके जाइए। आपको तमाम तरह की सुविधा राज इंटरप्राइजेज में मिल जाती है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे वीडियो में देखने को मिल रही है, कोई भी तरह के और जानकारी चाहिए तो आप अतुल भैया से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप तमाम भाइयों का धन्यवाद।